शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अच्छा तो ये सब चल रहा है, बेशर्म, तुम्हें शर्म नहीं आती? लीन होना है तो देवी श्रद्धा की भक्ति में लीन हो, ना कि ऐसे बिन बुलाए उनके कमरे में घुसे चले आए। ये तो अच्छा हुआ कि रोशनी ने हमें पहले ही बता दिया कि तुम्हारी हरकतें अभी भी काबू में नहीं आई है। अरे भाई, एक ही बात तुमको कितने बार समझाएंगे हम। चलो तुम यहाँ से, वैसे भी अभी श्रद्धा देवी यहाँ आराम करेंगे। चलो तुम आओ। कभी मत भूलना कि तुम दोनों के बीच हमेशा मैं रहूंगी। श्रद्धा से इतना दूर कर दूंगी तुम्हें अभय कि फिर मेरे पास आने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। भगवान, अब मैं क्या करूंगी? अब ऐसे कैसे मिलूंगी? अब जब आप मुझे श्रद्धा से मिलने ही नहीं देंगी तो मैं क्या करूं फिर? मम्मी, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आप रोशनी के जाल में कैसे फंसती जा रही हैं। अरे कोई जाल में नहीं फंस रहे हैं हम, और जो हमें दिखाई दे रहा है उसे तो नकारा भी नहीं जा सकता है ना। अरे भाई, वो देवी ही है। अब हमें तुम्हारे साथ कोई भी बहस नहीं करना है इस बारे में। देवी श्रद्धा तुम्हारी बीवी थी, ये बात तुम बस भूल जाओ। तुमने मेरे साथ दोबारा किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रोशनी, आज तुम बाल बाल बची हो, वरना मुंह के बल गिरती। नहीं जानती शेर कैसे बच के निकला हूं मम्मी से। अपनी बीवी से मिलने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। क्या? एक मिनट। आलू चाट। सुबह से तुमने कुछ खाया कहाँ होगा? टीवी बना के रखा है तुमने। अब भूख का खाना तो शाम को ही मिलेगा ना। तुमसे तो अच्छे हम इंसान ही हैं। श्रद्धा,
और मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। दो साल बाद जब उठा तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, और जब याददाश्त वापस आई तो ये सब। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। इस दूरी को खत्म करने की शुरुआत रोशनी को यहाँ से निकाल कर होगी। बहुत खतरनाक है वो। जानता हूँ, ऐसे जम के बैठ गई हमारे घर में, इल्ले का नाम ही नहीं ले रही। हमें कुछ बड़ा सोचना होगा। रोशनी ने मुझे देवी बनाया है ना, तो अब ये देवी ही उसे इस घर से बाहर निकालेगी। देवी श्रद्धा की जय। देवी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। आप सबका स्नेह, सम्मान एवं भगवान के प्रति ये भक्ति देखकर अधिक प्रसन्नता हुई है। भक्तों में एवं समस्त लोगों में ऐसे ही एकता बनी रहेगी, यही हमारा अटूट विश्वास है। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। देवी देवी सुन के दीदू कहीं सच में अपने आप को देवी तो नहीं मानने लगी है। सुना, जितना हम दीदू को जानते हैं बात तो कुछ और है। और इसी विश्वास को देखकर मैं अपने सबसे बड़े भक्त को पुण्य कमाने का एक अवसर देना चाहती हूँ। और वो भक्त है रोशनी। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। रोशनी, तुमने अपनी भक्ति साबित की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर भेज रही हूं जहां पर तुम इस दुनिया का सबसे ज्यादा पुण्य कमा पाओगी। मगर उसके पहले तुम्हें माता रानी के मंदिर जाकर वहां पर एक छोटी सी पूजा करनी होगी। मंदिर के बड़े घंटे के नीचे बैठकर तुम्हें माता रानी का नाम जपना होगा और वहीं से तुम आगे बढ़ पाओगी। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। जैसी आपकी आज्ञा देवी श्रद्धा। तुम्हें यहां से जाना ही होगा रोशनी। चलो अच्छा है, आखिर तुमने अपनी चाल तो चली। अब मजा आएगा जब तुम्हारी इस शय को मैं मात देती हूँ। कुछ भी कर लो तुम श्रद्धा, लेकिन मुझे इस घर से निकाल नहीं पाओगी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।